गाइस टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ मैथ्स एडवांस कैलकुलस। सो कंटिन्यू करते हैं। आज हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। सो स्टेटमेंट देखते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की दो थ्योरम्स की थी। आज हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखें थ्योरम की। एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। सो हमें क्या दिखाना है कि अगर किसी क्लोज इंटरवल पे कोई फंक्शन डिफाइंड है और कॉन्टीन्यूअस है उस इंटरवल पे, तो वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। हमें क्या प्रूव करना है, हमें फंक्शन को बाउंडेड प्रूव करना है। सो प्रूफ देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमने एफ को एक फंक्शन लिया है जो डिफाइंड एंड कॉन्टीन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो प्रूव क्या करना है कि f बाउंडेड है। तो हम क्या लेकर चलेंगे कि f इज़ नॉट बाउंडेड अबव इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर बाउंड कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो बाउंडेड अबव भी होगा, बिलो भी होगा। और अगर वो इन दोनों में से कोई किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब अगर फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है तो भी वो फंक्शन बाउंडेड नहीं कहलाएगा, और अगर वो फंक्शन बाउंडेड बिलो नहीं है तो भी वो फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं कहलाएगा। तो हम दोनों में से क्या लेकर चल रहे हैं कि f मेरा बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब बाउंडेड नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे क्योंकि हम कॉन्ट्रा पार्ट लेकर चल रहे हैं। तो हम लेकर चल रहे हैं कि f मेरा बाउंडेड अबव नहीं है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर बाउंडेड नहीं है, देयर फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी कैन फाइंड x n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच डैट f ऑफ x n ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो इस इंटरवल में से अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी x n लेते हैं, तो हमें उस नंबर पर, उस x n पर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन n मिलेगी, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मीन्स अगर हम n कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, आप कितना भी मर्जी बड़ा n नंबर ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए और इन्फिनिटी ले लीजिए, लेकिन जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा, मतलब वो बाउंडेड नहीं है। अब क्योंकि हमारा x n बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देयर फॉर ए इज़ लेस एन इक्वल टू एक्स एन लेस एन इक्वल टू बी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्योंकि a हमारा क्या है, एक्स एन अगर हम क्लोज इंटरवल ए बी से ले रहे हैं तो एक्स एन या तो a होगा या b होगा, या a से बड़ा कोई नंबर होगा या b से छोटा कोई नंबर होगा, वही लिखा है। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारी सीक्वेंस है एक्स एन की, जो हम सीक्वेंस लेंगे नंबर्स की फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी, वो क्या होगी, वो एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी जिसके बाउंड्स क्या हैं, ए एंड बी है। अगर हमारी सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका एक लिमिट पॉइंट होगा, और इस लिमिट पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, एक्स नॉट। हमने ले लिया कि एक्स एन हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है जिसका लिमिट पॉइंट क्या है, एक्स नॉट है। अब एक्स नॉट इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्लोज सेट ए बी ऑल्सो। तो एक्स एन जो एक्स नोट है वो मेरा क्लोज इंटरवल ए बी का भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, वो भी तो ए बी में से ही है। ए बी में से तो हम जो नंबर्स लेंगे उसकी सीक्वेंस ली है हमने एक्स एन, जिसका लिमिट पॉइंट एक्स नोट है। तो एक्स नोट लिमिट पॉइंट किसका भी हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी का। अब therefore x नॉट लाइज इन द, और जो हमारी लिमिट पॉइंट होगी वो भी किस में से लाई करेगी, इन्हीं क्लोज इंटरवल में से होगी। अब as x नॉट इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस xn, जैसे कि हमारा x नॉट लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस xn का, तो अगर हम इस सीक्वेंस एक सब सीक्वेंस लेते हैं xn के, वो भी कन्वर्ज करेगी इसी लिमिट पॉइंट को। क्यों, क्योंकि अगर बड़ी सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी छोटी सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो
एक्स एन के जो हम एक सबसीक्वेंस ले रहे हैं ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, वो भी कन्वर्ज करेगी एक्स नॉट को फ्रॉम वन। अब हमारी वन क्या थी, दिस इक्वेशन ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू एन, तो इससे क्या आ जाएगा, हम एक्स एन को रिप्लेस कर देंगे विद एक्स एन के, तो एफ फंक्शन की वैल्यू ऑन एक्स एन के ग्रेटर देन एन की होगी फॉर ऑल के, क्योंकि हमने कहा था कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन है वो ग्रेटर देन एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो जो हमारा एन के है वो भी वन ऑफ द एन, मतलब वो भी कोई नेचुरल नंबर ही होगा, और अगर नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली एन से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे हमने बोला है कि हर एक एन के लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो एन के लिए भी हमारी ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर ये बड़ी है एन के से, मीन्स दिस सीक्वेंस इज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, मीन्स दिस जो ये सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज्ड होगी। अगर डाइवर्ज होगी तो किसको कन्वर्ज करेगी, इनफाइनाइट को। तो हमारे पास एक दस वी हैव अ सीक्वेंस कन्वर्ज टू एक्स नॉट, बट दिस सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स नॉट, देयरफॉर एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और हमारी सीक्वेंस है कोई एक्स एन विच कन्वर्ज टू एक्स नॉट, तो हमारी जो सीक्वेंस होगी एफ ऑफ एक्स एन की वो कन्वर्ज करेगी एफ ऑफ एक्स नॉट को। यह हमने सीक्वेंस अपने ये हमने थ्योरम अपने लास्ट लेक्चर में की थी, सो वही रिजल्ट लगा है। हमने क्या बोला कि जो हमारी सीक्वेंस है एक्स एन के की वो कन्वर्ज कर रही वो कन्वर्ज कर रही है एक्स एन के, जो हमारी सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है एक्स एन एक्स नॉट को, बट जो हमारी सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन की वो तो कन्वर्ज नहीं कर रही है एफ ऑफ एक्स नॉट को, क्यों, क्योंकि वो तो डाइवर्ज कर रही है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि एफ मेरा कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है, बट हम लेकर क्या चले थे, बट हमारे पास तो दिया हुआ है कि फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूस है, देयरफॉर जो हम सपोजिशन लेकर चले थे कि एफ मेरा बाउंडेड अबव नहीं है वो क्या है, रॉन्ग है। तो हम मेरा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो अगर बाउंडेड अबव है, सिमिलरली वी कैन प्रूव इट फॉर एफ इज़ नॉट बाउंडेड बिलो, वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन मेरा बाउंडेड बिलो है। तो अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, तो मेरा फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। यही मेरे को प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है एवरी फंक्शन डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूज ऑन द क्लोज इंटरवल अटेन्स इट्स बाउंड इन दैट इंटरवल। थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन मेरा डिफाइन एंड कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, तो जो उसकी बाउंड्स होंगी, मीन्स लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड्स, वो भी फंक्शन कहाँ अटेंड करेगा, इसी इंटरवल पे, मतलब इस इंटरवल के किसी ना किसी पॉइंट्स पे ही हमें फंक्शन की अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिल जाएगी। हमें ये प्रूव करना है। सो प्रूफ देखते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमने एफ कोई फंक्शन लिया विच इज़ डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल आई, इंटरवल हमने क्या लिया, क्लोज इंटरवल ए बी लिया। अगर एफ मेरा डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, सो अभी जो हमने थ्योरम की, उस थ्योरम से हम क्या रिजल्ट ले सकते हैं कि एफ मेरा बाउंडेड भी होगा ऑन दैट क्लोज इंटरवल। सो हमारे पास क्या आ गया कि एफ मेरा बाउंडेड है इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर क्लोज इंटरवल पे बाउंडेड है, देयरफॉर उसका एक अपर बाउंड होगा, एक लोअर बाउंड होगा। सो हमने क्या ले लिया कि यू मेरा लीस्ट अपर बाउंड है एंड एल मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और फंक्शन एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, जो कि L, where L is the greatest lower bound of F and U is the least upper bound. Now, we shall show that there exists alpha and beta belongs to closed interval AB such that F of alpha is equal to U and F of beta is equal to L. हमें यही शो करना है कि जो मेरा फंक्शन है वो अपनी बाउंड्स को इसी इंटरवल पर अटेन करता है, मतलब इन्हीं इसी इंटरवल के किसी दो पॉइंट्स, किसी पॉइंट पर वो अपने
लोअर बाउंड को अटेन करेगा, किसी पॉइंट पे वो अपने अपर बाउंड को अटेन करेगा। तो हमने बोल दिया कि हम शो करेंगे कि अल्फा बीटा वो पॉइंट्स है फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी कि जिस पे हमें अपर बाउंड मिल रहा है और लोअर बाउंड मिल रहा है। सपोज दैट, बट हम कॉन्ट्रापार्ट लेके चलेंगे कि हम लेकर चलेंगे कोई भी ऐसा पॉइंट फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिस पे फंक्शन अपना अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड ले, क्योंकि हम यू क्या लेकर चले थे, लीस्ट अपर बाउंड है। हमने बोल दिया कि कोई भी हम लेकर चल रहे हैं कि कोई भी एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता फ्रॉम द क्लोज इंटरवल ए बी जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यू आई, जिस पे फंक्शन अपने अपर बाउंड को अटेन करे। दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यू को इधर ले आए तो क्या आ गया, यू माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि एफ मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देयर फॉर यू माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, एंड यू माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन डिफाइन अ फ्रैक्शनल फंक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई कोशेंट फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब हमारे पास ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हम ये फंक्शन एक डिफाइन कर सकते हैं और ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस भी होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ये फंक्शन मेरा डिफाइंड है एंड कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल, देयरफॉर फ्रॉम द आवर प्रीवियस थ्योरम ये फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड भी होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर बाउंडेड है तो ऑब्वियसली है ये किसी न किसी एक नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमने के वो नंबर ले लिया कि 1 बाई यू माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। दिस इम्प्लाइज दैट, अब हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, मतलब u माइनस एफ ऑफ एक्स और साइन भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या किया, u को सब्ट्रैक्ट कर दिया बोथ साइड, ये आ जाएगा, फिर माइनस को माइनस माइनस कैंसिल कर दिया और जिससे साइन भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू माइनस वन बाई के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा u माइनस वन बाई के है ये क्या हो गया, मेरा अपर बाउंड हो गया ऑफ f ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है मेरा वो मेरे पास क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू u माइनस वन बाई के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, कि जो फंक्शन की वैल्यू है या तो u माइनस वन के होगी या इससे छोटी होगी, इससे बड़ी नहीं होगी, तो मीन्स अपर बाउंड आ गया। बट हम क्या लेकर चले थे कि u मेरा लीस्ट अपर बाउंड है। अगर u मेरा लीस्ट अपर बाउंड है इसका मतलब क्या है कि u से छोटा कोई नंबर मेरा अपर बाउंड नहीं हो सकता। बट हमारे पास तो u से छोटा एक नंबर आ गया विच इज़ u माइनस वन बाई के, जो कि मेरा अपर बाउंड आ रहा है फंक्शन f का। अब u में से कुछ छोटा हो, u में से कुछ माइनस हो रहा है तो मतलब वो u से छोटा ही हुआ, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि u हमारा सबसे छोटा अपर बाउंड है किसका, एफ का। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ गई, क्योंकि हम लेकर जा रहे थे कि कोई भी ऐसा पॉइंट या एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए पी जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यू आई। तो हमारी सपोजिशन दिस इज़ रॉन्ग, अगर ये रॉन्ग है तो मतलब हमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे फंक्शन अपने अपर बाउंड को अटेन करेगा। सिमिलरली हम लोअर बाउंड के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, और अगर हम दोनों के लिए प्रूव कर देते हैं तो हमारी थ्योरम क्या है, प्रूव हो जाती है। होप सो आपको समझ आई हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे ओपन सेट एंड क्लोज सेट की। तो किसी सेट को ओपन सेट कब कहते हैं, हमने ए कोई सबसेट लिया आर का, इस तो हम ए को ओपन सेट कब बोलेंगे, जब ए क्या होगा, नेबरहुड होगा अपने सभी पॉइंट्स का। तो किसी सेट को ओपन सेट कब बोलेंगे, जब वह अपने सभी पॉइंट्स का क्या होगा, नेबरहुड होगा। सेकंड डेफिनेशन, अल्टरनेट डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी सेट को हम ओपन सेट कब बोलेंगे, कि अगर हम ए में से कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी ऑर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक एप्सिलॉन मिल जाए ग्रेटर देन ज़ीरो, सच डैट कि अगर हम एप्सिलॉन में से
सॉरी अल्फ़ा में से कुछ माइनस करते और अल्फ़ा में कुछ प्लस करते ये इंटरवल बनाए, तो ये नेबरहुड या ये इंटरवल मेरी एग्जिस्ट करनी चाहिए उस सेट से। और थर्ड डेफिनेशन क्या है, अगर इस सेट का किसी सेट को हम क्लोज ओपन सेट कब कहेंगे, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, क्लोज्ड हो। सो ये तीन डेफिनेशन है ओपन सेट की, आपको इन तीनों को याद रखना पड़ेगा और याद रखना भी चाहिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट